मैं लापरवाही ठीक हूँ। मेरे पास परवाह करने वाला शोहर जो तो शोहर की बात माने और खाना खत्म कर। पता है ना डॉक्टर ने भी कहा है कि ऐसे ऐसे हाल है। लेकिन आप ना फिक्र करने के लिए मेरे फिल्मी हीरो हाय हाय, इतना जवान जहान लड़का यूं आनन फानन चला गया। इतनी खूबसूरत लड़की भरी जवानी में बेवा हो गई। हार सिंगार सब उजड़ गया, घर बर्बाद हो गया। महीनों सालों लग जाएंगे संभलने के लिए। किस्मत में लिखा था ये सब। कोई भी अपनी बर्बादी की ख्वाहिश तो नहीं करता। हाँ, पहले पहल तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये सच है। मेरी नजरों में तो वो हंसता खेलता जैनब की शादी में भंगड़ा डालता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे घूम रहा था बच्चा मेरी आंखों के सामने। किसे पता था कितना जिंदा दिल लड़का इतनी जल्दी चला जाएगा है? आंटी, हम सब भी शौक में हैं कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया, यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन करना पड़ता है बेटा, यही जिंदगी की हकीकत है। जो दुनिया में आता है उसने जाना भी होता है। हाय, हुरिया बिचारी पर क्या गुजर रही होगी। कितना मोहब्बत करने वाला शौहर था। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि बेवा औरत को घर कपड़ा मकान आसरा सब मिल जाता है, बस नहीं मिलती तो शौहर की मोहब्बत ही मिलती। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हिम्मत और बर्दाश्त दी है। मैंने भी इतने साल गुजार लिए ना, हुरिया भी ऐसा ऐसा संभल जाएगी। भाई क्या बात करती हो बहन, वो दौर और था, ये दौर और है। अब लड़कियां सब्र शुक्र नहीं करती। हाँ, ऐसे नहीं रहती वो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, परी कहाँ है? बेटा चांदनी के कमरे में है। अरे बात सुनो, ये क्या हुरिया, हे तुमने ये चूड़ियां ये बुंदे ये जेवर क्यों पहन रखा है? अरे चार दिन हो गए तुम्हारे मियाँ को गुजरे हुए, अभी तक क्यों पहना हुआ ये जेवर इसने, है? इसे बताया नहीं तुमने कि बेवा औरतें ये सब नहीं पहनती? क्यों नहीं पहनती? लो भाई लो।